गुरु नानक नाम लेवा संगतां वास्ते सरकार वालों वड्डा उपराला किया गया है। दरअसल पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा करतारपुर साहिब विखे हर साल लखां की तादाद विच भारत तो संगतां मत्था टेकन जांदियां ने, जिस दे चलदियां केंद्र सरकार वालों ये विशेष उपराला किया गया। दरअसल करतारपुर कोरीडोर विच केंद्र सरकार वालों परमिशन के आधार पर गुरु नानक हट नामक स्टोर की शुरुआत की गई है, जिथों के संगतां वालों गुरुद्वारा करतारपुर साहिब जाने लई लंगर रसद प्राप्त की जा सकती है। तुहानूं दस दईए कि गुरुद्वारा साहब जा रही संगतां हुण 7 किलो प्रति व्यक्ति लंगर के अनुसार सुकी रसद लै जा सकणगियां। अते इस दे नाल ही स्टोर मालक नाल जदों गलबात की गई तां उन्हां दस्सिया कि सिख अते सिखी सिधांतां नाल जुड़ियां वख-वख चीज़ां भी इत्थे मार्केट के रेट नालों सस्ते भा ते संगतां नूं मिलणगियां। इस तों इलावा मीडिया नाल गलबात करदिआं उन्हां होर की कहा, आओ तुहानूं सुणाउंदे आं। ये जो गुरु नानक नाम लेवा संगतां गुरद्वारा दरबार साहब श्री करतारपुर साहब जी के दर्शन कर जांदियां ने, संगतां ये करतारपुर कोरीडोर के अंदर खोलिया गया जी सारा, जितों संगतां ने दर्शन कर जाना। इमीग्रेशन तो पहला साडा जिहड़ा स्टोर है, ये एक भारत सरकार ने एक टेंडर कढ़िया सी, जो टेंडर असीं अप्लाई कीता सी ते गुरु महाराज ने कृपा की, वो जिहड़ी सेवा सानूं उन्होंने बख्शी है टेंडर सानूं मिल गया। जिहड़ा ये साढ़े को जी जो लंगर दे विच उधर रस्ता जांदी ने, जां कोई देग वगैरह बनती है उहदे वास्ते, घिओ दाल नमक हो गया आटा हो गया सब्जियां जो भी उधर मतलब लंगर च वरतों दी आउंदियां ने, वो जिहड़ा समान साढ़े को जिहड़ा अवेलेबल हैगा जी। हाँ जी, जो होर भी एक रुमाला साहब बाकी जो सिखिज़म दा नाल संबंधी जो समान वो सारा साढ़े को। संगत का बहुत वधिया रिस्पोंस है जी। एक तो वेखो ये संगत की बड़ी देर की मंग सी कि संगतानू एक तो टाइम की बड़ी जिहड़ी शॉर्टेज सी, तो टाइम का जिहड़ा बचत होएगी संगत की, जिदा कई बार पिछे जां रस्ते च रुकना पैना जां पिछों चुक के लियाउणा समान अगले संगत नूं हुंदा पता नहीं अगे जाएगा जां नहीं जाएगा, है ना। तो ये तो भारत सरकार वालों जिहड़ा साडा जिहड़ा स्टोर है अपरूवड है उन्हां वालों। नहीं रेट जो साढ़े को जो मार्केट रेट ओही साढ़े को, कोई ज्यादा रेट नहीं होगा, जो भी रेट है वाजिब रेट जो मिलेगा। मैं तो संगत नूं इहो अपील करांगा कि मतलब बाहरों समान चुक के लियाउण नालों एक तो उन्हां दी टाइम की जिहड़ी बचत होएगी, तो एक इत्थों मिल जाणा इत्थे नाल ही अगे मतलब गड्डी 'च रखा जाणा वा, इत्थों अगे बैठ जाणा वा, उत्थे मतलब एक टाइम की बड़ी जिहड़ी शॉर्टेज है, क्यों इत्थों टाइम नाल जाणा उधरों टाइम नाल वापस आउणा, तो रस्ते 'च फिर समान खरीदण वास्ते किन्ना टाइम वेस्ट हुंदा सी। वह जिहड़ी संगत नूं मैं अपील करांगा भी तुहानूं बहुत टाइम वेस्ट करन दी जिहड़ी आ उह लोड़ नहीं है, रमान इत्थे अपनी गड्डी पार्क करो तो इत्थों समान लै के तो तुसीं दर्शनां वास्ते जा सकदे। हाँ जी, वह जिहड़ा उहदी लिमिट है जी कोई 8 to 10 के दी विच विच आपां खड़ सकते हैं, 8 किलो जिहड़ा वा वह जिहड़ा वेट हैगा अप्रूवड है। मैं तो एक चीज़ वैसे ये सोचता वा भी ये जिहड़ा लंगर का जिहड़ा समान साडा जांदा इहदी वैसे कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए, जिनी भी संगत चाहे वह खड़ना चाहे सकते खड़ सकती है। ये मैं सरकार को अपील करूँगा कि वैसे इस चीज़ की जी होनी चाहिए। मेरा नाम जी जसवंत सिंह जी। जसवंत जी कितों आए कितने चले? मैं बरनला जिले तो आया जी, पंजाब के। ठीक है जी, हाँ जी हाँ, तो अज आया पहली बार आया मैं, ओपन हुई तो काफ़ी टाइम हो गया से, दिल से बड़ी इच्छा से भी जाइए मत्था टेक के आइए बाबे नानक की धरती से। ठीक है जी, तो हूँ सबब बनया गा भी साढ़े नाल आए थे तो मैं नाल में आया। स्टोर खुल चुका अंदर रसद लैके जाने वास्ते कि फायदा रहेगा? बिल्कुल फायदा रहेगा जी, कई बार की होंगे संगत इन्ना समान नहीं चुक हों अपने नाल, तो इतों यह सुखाला हो जाएगा कि इतों पैसे चलो लै बंदे ने तो समान लै लिया तो उत्थे आके सेवा दे पाता जी। हाँ जी हाँ, होर की कहना चाहते हो क्योंकि हाले सिर्फ 7 किलो तक की परमिशन मिली है नाल लैके जाने? नहीं बिल्कुल, इन्हू बधाना चाहिए कि हाँ कि किसी की जिनी मर्जी श्रद्धा हो बोरिया भर के भी, क्योंकि पंजाबी तो होंगे दिल खोल के सेवा करते हैं जी। ठीक है, ये बतानी चाहिए है सरकार। ठीक है
ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰੀ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਰਸਤੇ ਮਿਲਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਟੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਐਥਿਕਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਲੰਗਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਕਿਲੋ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲਿਆ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੋਂ, 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੋਂ, ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਪਰੈਡ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਲੈਰਟੀ ਆਏਗੀ ਮਾਇੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਅੰਦਰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਚੜਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਰੇਸ਼ ਰਾਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ? ਮੈਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਦੌਲਤਪੁਰ ਚੌਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਉਨਾ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੇਰਾ, ਹਾਂਜੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ। ਰੁਮਾਲਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਏ, ਸਮਾਨ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਆਉਣੇ ਜਾਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ।